नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी इंसान की लंबाई उसके जीन्स, खान पान, जीवन शैली यानी कि उसके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करती है। हमारे शरीर में HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी हाइट और शरीर के विकास में काफी मदद करती हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से इन हार्मोन्स में भी कमी हो जाती है, जिससे हमारी हाइट बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसलिए अच्छी हाइट पाने के लिए रोजाना भोजन में कुछ विशेष चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमारे शरीर को हर पोषक तत्वों में पूरा करने की मदद करे। इसमें सबसे पहले है पालक और गाजर का जूस। पालक के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, विटामिन और आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही गाजर के अंदर भी विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर के हड्डी और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचता है और साथ में स्वस्थ व मजबूत बने रहते हैं। इसीलिए स्पेशलिस्ट हाइट बढ़ाने के लिए पालक और गाजर को खाना साथ में बहुत जरूरी है। और जब इन दोनों को साथ में मिला दिया जाता है और तब इनका असर और दुगना हो जाता है, और इससे हमारे शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है और ताकत भी मिलती है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सुबह के नाश्ते के साथ पालक और गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए। इस जूस से 2 से 3 महीने में ही रुकी हुई हाइट में भी बहुत अच्छा बदलाव आने लगता है। इसके अलावा हाइट बढ़ाने के लिए कुछ खास बीजों का भी इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है, जिसमें मुख्य तरह से कद्दू के बीज, खीरे के बीज, अलसी के बीज और सफेद या काले तिल, ये सारे बीज हाइट को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। पर ये इतने ज्यादा असरदार होते हैं कि 18 की उम्र के बाद भी इनके इस्तेमाल से हाइट बढ़ाई जा सकती है। कद्दू के बीज में एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि करता है और साथ में हमारे मांसपेशियों के भी विकास में असर दिखाता है। साथ ही खीरे के बीज और तिल में टोमेन सी कॉपर, विटामिन सी कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, और ये सारे पोषक तत्व हमारे हड्डी और मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इन सारे बीजों को सुखाकर और इनका पाउडर आपस में मिला करके यदि इसका सेवन किया जाए तो शरीर की लंबाई बढ़ाने में इसे चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सभी को मिलाकर एक चूर्ण बनाने के लिए इनकी मात्रा सही होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए 100 ग्राम कद्दू के बीज लेकर के 100 ग्राम खीरे के बीज का पाउडर, 50 ग्राम सफेद तिल का पाउडर और 50 ग्राम अलसी का पाउडर, और इसे अनुपात में कम या अधिक भी बनाया जा सकता है। ये तैयार चूर्ण को आप रोजाना रात को सोने से पहले या फिर सुबह नाश्ते के समय लें। ये एक बहुत ही ताकतवर नुस्खा है। शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए शरीर को जितनी भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, वो सारे गुण इस चूर्ण में मौजूद हैं। इस चूर्ण का इस्तेमाल 3 से 4 महीने करने पर शरीर की लंबाई में काफी फर्क नजर आने लगता है। इसके अलावा सब्जियों में शलजम, भिंडी और ब्रोकली, ये तीनों ही शरीर की हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है। पालक की तरह ब्रोकली में भी शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का भंडार है। इसके अंदर विटामिन सी और आयरन फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे तत्व हमारे शरीर की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। इसी तरह शलजम से भी हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के विकास करने वाले हार्मोन्स को उत्तेजित करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भिंडी एक कॉमन सब्जी है और इसका भी शरीर को बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान होता है। भिंडी के अंदर एक चिपचिपापन पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन कार्य प्रणाली को और भी कायम करता है, और इसकी वजह से हमारे शरीर के पोषक तत्व हमारे शरीर में ऑब्जर्व होते हैं। इसमें ब्रोकली को सब्जी बनाकर या जूस बनाकर भी पिया जा सकता है, और अच्छे परिणाम के लिए गाजर और पालक के जूस में मिला करके पिएं। इसके लिए इसके साथ ही अच्छे हाइट पाने के लिए विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम सबसे मेन न्यूट्रिशन होते हैं, जिसके लिए दूध, दही, अंडा और दालें सबसे ज्यादा उपयोगी होती हैं। अच्छे सेहत के साथ शरीर की हाइट बढ़ती रहे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि एक कटोरी दाल, एक गिलास दूध रोजाना पिएं, और साथ ही हफ्ते में 2 से 3 बार 2 अंडे खाने में शरीर की हाइट लंबे समय तक बढ़ती रहती है। और दोस्तों, रुकी हुई हाइट भी कुछ ही समय में बढ़ना शुरू कर देती है। इन सभी चीजों में प्रोटीन और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास में बहुत ज्यादा
बहुत जरूरी है। शरीर की लंबाई होना रुक जाना मुख्य कारण होता है बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक और विटामिन डी सबसे मुख्य है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए इन सारी चीजों के अलावा धूप भी शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धूप की वजह से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए धूप में हमें रोजाना 10 से 15 मिनट तक निकलना चाहिए। हमारी शरीर की हाइट रोजाना सोते समय कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है तब हमारी हड्डी और मांसपेशियों पर कोई जोर नहीं पड़ता, जिससे वो फैलने लगती है। इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए ज्यादातर नुस्खों का इस्तेमाल सोने से पहले करना चाहिए और साथ में रोजाना अच्छी नींद लेनी चाहिए। जो लोग अच्छी तरह से नींद नहीं लेते उनकी हाइट रुक जाने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा शरीर का पोस्चर भी हाइट बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करता है। कार्य करते समय या खड़े रहते समय हम जिस मुद्रा में रहते हैं हमारे शरीर की हड्डियां भी उसी शेप में ढल जाती हैं और हमारा कद छोटा रह जाता है। इसके अलावा बढ़ते हाइट के दौरान ज्यादा वजन उठाने वाले भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिस एक्सरसाइज में मांसपेशियों एवं हड्डियों पर दबाव आता हो उन्हें ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इनसे हाइट स्लो होने का संदेह रहता है। बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं और अच्छा पोषक युक्त भोजन करें। अच्छा भोजन करने के साथ यह भी जरूरी है कि भोजन सही समय पर किया जाए। हाइट बढ़ाने के लिए एक बार में ज्यादा भोजन न करें, थोड़े थोड़े अंतराल में थोड़ा थोड़ा भोजन किया करें। ऐसा करने से शरीर को भोजन अच्छे से लगता है और हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। शरीर में अगर टॉक्सिन्स अधिक हो जाते हैं तब भी ये हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकले और बॉडी में हॉर्मोन्स का बैलेंस बना रहे। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से हमारी हाइट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनमें मौजूद विषैले पदार्थ हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों इसका कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।